हरे कृष्णा। हम आए हैं आज परम पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी के सत्संग पंडाल में, जो कि यही इस्कॉन द्वारका में हो रहा है। और मैं पंडाल दिखाता हूँ, बहुत ही भव्य पंडाल बनाया है जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें। ये देखिए, बहुत ही सुंदर पंडाल बनाया है, बहुत ही सुंदर एकदम देखने में। तो ये देखिए कितना बेहतरीन एक ही बनाया है यहाँ पर। ये देखिए कितना सुंदर ही बनाया है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर आप सेल्फी भी ले सकते हैं, सेल्फी पॉइंट टाइप का बनाया है, एकदम एंट्रेंस के साथ में ही बनाया है। ये बहुत ही भव्य है, हम भव्य किस तरीके से झूमर लाइट्स लगाई है एंट्री पे। देखिए कितना सुंदर है, ऐसा देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ जहाँ पे भागवतम कथा हो रही है। वहाँ पे देखिए ये कितना सुंदर बनाया है, गेट कितने अलग अलग तरीके से बनाया है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए किस तरीके से पंडाल में झूमर लाइट की व्यवस्था करी है, कितना सुंदर एकदम पूरा भव्य अविस्मरणीय भगवान के लिए ये पूरा बैठने की व्यवस्था करी गई है। सुंदर पूरा थीम जो रखी है यहाँ पे, पूरी वाइट थीम रखी है जो मन को और आँखों को बड़ा एकदम सुकून देती है। ये देखिए कितनी बड़ी LED लगाई है। ये अभी शाम का टाइम है, अभी भागवतम ख़त्म हो चुका है और वो सामने व्यास पीठ है। और इधर ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर LED का पूरा बहुत बड़ा एकदम LED पैनल लगाया है, इस तरीके से है। और ये सामने एकदम मंच पे है, पूरा आगे VIP सोफे की व्यवस्था करी है। ये देखिए यहाँ पर VIP सोफे हैं सारे। सोफे लगाए हैं जिसमें आगे व्यासपीठ है। यहाँ पर भगवान का पूरा साउंड का पूरी अच्छी व्यवस्था की गई है। और अंदर VIP प्रसादम हो रहा है, एक बार आपको प्रसादम की तरफ भी ले चलते हैं। जहाँ प्रसादम हो रहा है वहाँ प्रसादम की व्यवस्था करिए। ये पूरा प्रसादम हॉल है, यहाँ पे पूरा प्रसादम आप प्रसादम पा सकते हैं। यहाँ प्रसादम की व्यवस्था करिए। इधर भी पूरा एकदम पूरा बनाया है, काउंटर दो काउंटर है प्रसादम के, यहाँ प्रसादम पा सकते हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था करी है। और यहाँ भागवतम हो रहा है, बता रहे हैं इसकी यहाँ पे इसको जो बनाने में बहुत ही अच्छा खासा खर्चा आया होगा, लगभग 1-2 करोड़ से कम क्या आया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो बहुत सुंदर व्यवस्था करी है और भगवान के लिए ऐसे खर्च करते रहने चाहिए। हरे कृष्णा।